भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के संबोधन को कार्यकर्ताओं ने गंभीरता से सुना। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रियशील हाड़ा के निर्देशानुसार राजस्थान जनसंवाद वर्चुअल रैली को संबोधित कर रहे भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भारतीय जनता युवा मोर्चा शहर जिला के कार्यकर्ताओं ने वार्ड 60 के बूथ नंबर 79 पर बड़ा ध्यान व गंभीरता पूर्वक सुना व उनके मार्गदर्शन से मोदी सरकार के एक वर्ष की उपलब्धियों को बूथ स्तर तक पहुंचाने के लिए संकल्प लिया। संकेत वर्मा ने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर संकेत वर्मा, सुरेंद्र सिंह, धीरज शेट्टी, गौरव जैन, अंकित डोंगरिया, गोविंद लखन, वीरेंद्र आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज भाजपा जिलाध्यक्ष श्री प्रियशील जी हाड़ा जी के निर्देशानुसार वर्चुअल रैली की कड़ी में जन संवाद रैली में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के राष्ट्रीय संबोधन में प्रमुखतया धारा 370 का मामला हो, चाहे 35A हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो जिसमें हमारी मुस्लिम माताओं और बहनों के सम्मान की बात हो, चाहे राम मंदिर जैसे ऐतिहासिक फैसला हो, चाहे कोरोना संकट के अंदर 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा हो, वह चीन भारतीय सीमा विवाद में भारत की अहम भूमिका हो, उसमें हमारे शहीद हुए वीर जवानों को आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संवेदनाएं व्यक्त की, उनको श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने पूरे देश को यह आह्वान किया कि उनकी शहादत जाया नहीं जाएगी और भारत चीन विवाद को देखते हुए चीनी सामान के बहिष्कार को लेकर उन्होंने पूरे देश भर में आह्वान किया। स्वदेशी अपनाओ नारे को उन्होंने लोकल के वोकल को ये आह्वान किया कि लोकल की वोकल बने, आत्मनिर्भर अभियान के अंदर स्वदेशी अपनाएं। इस निमित्त आज युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को व्हाट्सएप में बड़े ध्यानपूर्वक सुना और ये संकल्प किया कि इनके विचारों को बूथ तक पहुंचाएंगे। मैं दीपक सिंह राठौड़, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष।